नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। वहीं बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की अयोध्या लोकसभा सीट से मिला, जहां राम मंदिर बनने के बावजूद लोगों ने पार्टी के समर्थन में वोट नहीं डाले, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह की हार किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही। 22 जनवरी को इस साल बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके बाद पार्टी को उम्मीद थी कि लोगों का उन्हें पूरा समर्थन जरूर मिलेगा। लेकिन अब चुनाव की बारी आई तो पासा पूरी तरह पलट गया और अयोध्या से बीजेपी हार गई। अब तक कई बड़े सितारे इस पर अपना अपना रिएक्शन दे चुके हैं। रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी तो इससे नाराज थे कि उन्होंने अयोध्या वासियों को धोखेबाज तक कह दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए अयोध्या वासियों पर जमकर गुस्सा निकाला। अब टीवी के शक्ति मारो भीष्म पितामह यानी मुकेश खन्ना ने भी अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार की हार पर प्रतिक्रिया दी है। मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर इसे पूरे मामले पर रिएक्शन दिया, जो काफी चर्चा में आ चुका है। मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर भव्य मंदिर की एक तस्वीर शेयर की। इसे शेयर करते हुए मुकेश ने अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह भी बताई। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि अयोध्या में हार से ये सीख लेनी चाहिए कि भव्य राम मंदिर के साथ साथ यहाँ रहने वाले नगर वासियों की जिंदगी भव्य बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। करोड़ों के बजट के बीच कुछ करोड़ रुपए वहाँ के लोगों की समस्या हल करने के लिए भी रखना जरूरी है। फिर चाहे ये राम मंदिर हो, चारों धाम हो या फिर जयपुर निकट खाटू श्याम का मंदिर हो, श्रद्धा की जगहों को टूरिस्ट स्पॉट ना बनने दें। वहीं लोग भी रहते हैं, उनका भी ख्याल रखें। ये पोस्ट शेयर करते ही जहां कुछ लोगों ने मुकेश खन्ना को निशाने पर लिया और उन्हें ट्रोल भी किया, वहीं कुछ उनके समर्थन में भी दिखाई दे रहे हैं। मुकेश खन्ना का ये बयान कई लोगों के लिए नाराजगी का भी विषय बन चुका है। अभिनेता अपने तेज तरार अंदाज और सीधे जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं मुकेश खन्ना के इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने लिखा, एक बार आप अयोध्या जाकर देख कर आइए कितना विकास और रोजगार दिया है, तब कुछ बोलिएगा। वहीं एक अन्य यूजर लिख रहा है, अनफॉलो कर रहा हूं, सॉरी शक्तिमान। वहीं एक ने कहा, वो पल भर में शक्तिमान, पल भर में गंगाधर और पलटू राम। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।